अरे मनोज भाई, मनोज भाई थोड़ा उधर हो जाओ, राइट में, राइट में मनोज भाई। बस बस बस, उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही। अरे तारा थोड़ा इधर आओ। मनोज भाई थोड़ा राइट में आओ ना, पीछे आओ ना। हाँ हाँ, बस बस बस, बढ़िया बढ़िया। अरे फोन साइड कर, देखो बोल रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जवाब दे सकता है कि मैंने उसकी दोस्ती का फ़ायदा उठाया है कि नहीं। मैंने हमेशा उसे अपलिफ्ट किया है। अगर किसी को अपलिफ्ट करना आप फ़ायदा उठाना कहते हैं तो आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा नेजी को ऊपर उठाया है और नेजी के साथ मैं टॉप टू में खड़ी थी और नेजी मेरे लिए मैंने जो क्रिटिकल थोड़ा जब आए थे तो मैंने नेजी को टॉप थ्री में बोला था और मैंने कहा था कि मैं चाहूँगी नेजी जीते। तो इसे फ़ायदा नहीं बोलते, इसे दोस्ती बोलते। नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि आप अनडिजर्विंग थे टोटली, सी आई वुड से कि ट्रॉफी उसी के हाथ में होता है जो सच्चा होता है। एंड आई थिंक मैं डे वन से मैंने बहुत फोकस और मैं बहुत दिल से खेली थी। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रही हूँ। तो जो भी सच्चे होते हैं या जो भी अच्छे होते हैं लोग हमेशा उसे टेम करने की कोशिश करते हैं, तो मैं वो शेरनी थी जिसने सोचा कि ये टेम होगी बट मैं टेम नहीं हुई। तो अगर उन्हें मैं अनडिजर्विंग लगती हूँ तो ये उनका कॉल है, बट
जनता की नज़र में मैं डिजर्विंग हूँ और उन्होंने मुझे जिताया है, सो आई थिंक मेरे लिए वो जीत है। रणवीर शौर्य, जिन्होंने आपको हमेशा डीमोटिवेट किया है या मैं कहूँगी नीचे गिराने की कोशिश की है, हाँ, और तरह तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, उनका उनका टॉप उनका उनका उनके कॉन्फिडेंस जिस हिसाब से टूटा है कि वो उनको लगता था कि वो शो जीतेंगे और आप जीत गई, आप इस बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक आपके ही आंसर में आपको ही आपका जवाब मिल गया है। आप खुद हंसते हुए कह रही थी कि उनको जवाब मिल गया, आपने ट्रॉफी लिफ्ट की, तो आई थिंक मैंने जो ट्रॉफी लिफ्ट की वो टॉप टू में भी नहीं आए थे, वो टॉप थ्री से ही अलविदा हो चुके थे। वो टॉप थ्री तक पहुँचे उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, बट मैं उन्हें एक विजेता बोलती थी, मुझे उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी लगती थी, वो बहुत ही अगर उन्होंने मुझे कोई चीज़ बोली है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी ज़िद्दी थे, वो भी नकचढ़े थे, वो भी उन्होंने भी बहुत जगहों पे मुझे डिमीन किया, मैंने भी उन्हें डिमीन किया, बट वो शो था, मैं उस शो के दौरान मैं चीज़ें वहीं दफना के आई हूँ, तो रणवीर जी मैं उनके लिए कुछ कमेंट नहीं करूँ। एक फ्रेंड्स का जो ग्रुप बना था उनके साथ पार्टी करने का कब इरादा है, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का? एक्चुअली यस, हम दो जन बॉम्बे से, तीन जन बॉम्बे से, मैं नेजी और विशाल और शिवानी और लवकेश, शिवानी कानपुर से है, लवकेश गुड़गांव से है। अरे रुक बोल रहे हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग, अभी सब यू नो हम 40 दिन घर से दूर थे, तो अभी सब अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो यस आप हमें देखेंगे ज़रूर। आपका और नेजी का बॉन्ड हमें देखने को मिला था बिग बॉस हाउस में, एंड बाहर में जिस तरह आपने ट्रॉफी शेयर किया दोनों, उसने मेरा हाथ एंड तक नहीं छोड़ा, वो मेरा हाथ पकड़ के रखा, एंड आई थिंक उस घर में आप टूटते हो बिखरते हो बट वो बंदा मेरे साथ था, सो आई थिंक नेजी के लिए मैं बस ये बोलूंगी इज माय बम आई फॉर एवर। सना, रणवीर सब जब घर से बाहर निकल रहे थे तो आपको गले लगाकर निकले, सब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ निकले, लेकिन बाहर इंटरव्यूज में रणवीर सर ने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बहुत कुछ बोला। मैंने उनको इतना कुछ नहीं, इट वाजंट फेक, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि मैं जब उस घर से निकली मैंने पीस आउट बोल के निकला था, बट उनका जो रिएक्शन था वो मेरे प्रति बहुत ही गलत आया है, वो बाहर आके बहुत सारी चीज़ें बोलने लग गए, तो आई थिंक जब आप हारते हो तो आप ये चीज़ बोलते हो, सो आई थिंक मैं अभी भी यही बोलूँगी इट्स अ पीस आउट साइन फॉर मी, मैंने सारी चीज़ें घर पे दफना के आई हूँ और मैं इसी के साथ पॉजिटिव लाइट में बाहर निकलना चाहूँगी और मैं पॉजिटिव लाइट में हूँ। यहाँ पे मैं एक मिनट